और गाइस हमारी साथ में फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है हमारी, यस फर्स्ट इंटरनेशनल। फाइनली हम लोग नेपाल पहुंच चुके हैं, यस। अरे वाह भाई वाह, ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इन नेपाल। हां फर्स्ट टाइम, वेलकम टू नेपाल। ये कैमरे में कर नमस्ते दीदी, आशीर्वाद। ओह माय गॉड भाई, चलो फिर, थैंक यू सो मच दीदी आने के लिए और इतना अच्छा शॉपिंग कराने के लिए। मस्त यादगार दिन था मेरा वो। शिवाजी द बॉस, शिवाजी द बॉस। और आकाश ऐसे जा रहा है जैसे पता नहीं कौन सा बैंक लूटने जा रहा हो, पूरा चश्मा चुश्मा जैकेट जूकेट टोपी टोपी मास्मूस लगा के। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसका आज शूट है, इसका इच्छा था कि हम इसका शूट देखें जीजू और मैं, बट फाइनली हमने देखा। भगवान मेरे साथ है, मतलब लेजिट मैंने बोला था कि 30 तारीख को रुक जाना, तो क्योंकि बट आज जा रही थी ये, तो फिर मैं ऐसा था कि चलो भाई 30-31 को चली जाएगी, बट नहीं, हमारा शूट जो है वो 28 को निकल गया। 28 को हो गया और 28 को हमने शूट भी देख लिया और ये टाइम पे भी निकल रही है जो ये चाहती थी। यस, चल फिर बाय बाय बाय, लव यू, ध्यान रखो, आहा बाय बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं, तो अभी हम लोग थोड़ी देर में निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल। हम लोग का इस बार का छुट्टी का प्लान बना है नेपाल में, तो नीरज और मैं जाने वाले हैं। पहले आकाश, मेघा और मेरा प्लान था, बट आकाश का शो है तो वो नहीं जा रहा है, मेघा का भी एग्ज़ाम चल रहा है तो वो अभी नहीं जा रही, बट वो बाद में आएगी 3 तारीख को। तो आज 30 अक्टूबर है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं नीरज और मैं। तो जैसे कि आपको पता ही, आकाश झलक कर रहा है, और आकाश ने एक व्लॉग में ये भी बोला था कि दीदी 30 तारीख को मेरा शूट है, 30 तारीख तक रुक जा। तो आज 30 तारीख है जैसे कि आपको पता है, बट आकाश का शूट 28 को ही हो गया था, तो 30 को भी है, मतलब 2 दिन का शूट था इन लोग का, तो मतलब 28 को आधे जनों का शूट हुआ था एंड 30 को आज मतलब आधे जनों का शूट होने वाला है। एंड जो 28 को शूट हुआ था उसमें आकाश का परफॉर्मेंस हो गया था, तो हमने शूट भी देख लिया है। नीरज को भी हमने दिखा दिया कि कैसा होता है शूटिंग एंड ऐसे डांसिंग शो का शूट कैसा होता है, पर नीरज को पता नहीं ठीक ठाक लगा कैसा लगा। और मेन चीज़, तो मैंने उस दिन का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ से तो पूरा व्लॉग बना के गई थी, जैसे ही हम लोग सेट पे पहुँचे तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, कुछ भी पिक्चर्स वीडियो वगैरह नहीं क्लिक कर सकते, तो इसलिए मैंने कुछ व्लॉग नहीं बनाया। तो कैसा लगा साले जी का लाइव शूट देख के, शो देख के आपको? मतलब कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा रहा, और वो भी टीवी पे देखा था, वैसे रियल देखा तो कुछ अलग ही, बहुत ही अलग सा स्टेज था, मतलब कि कभी लाइफ में ऐसा स्टेज देखा नहीं था, है ना, कितना पूरा एकदम ही अलग सी, अलग ही दुनिया थी वो, है ना, बहुत ही। नीरज, तो आकाश के परफॉर्मेंस में आपको मजा आया? और टाइम तो आप बोर ही हो रहे थे वहाँ बैठ बैठ के, हैं? बोर हाँ, मतलब कि ऐसा परफॉर्मेंस था कि जो जितना भी बोर हुआ था सब उसमें से हट गया था, कवर हो गया था। और जब मलाइका मैम आए थे तो नीरज का ऐसा रिएक्शन था जैसे कि मलाइका मैम इनके घर के बगल में रहती है, हाँ। और नो रिएक्शन दे रहे, बिल्कुल ऐसे, मतलब कि हाँ ना देखता हूँ ये उनको, ऐसा क्यों, अच्छे नहीं लगे आपको मलाइका मैम एंड ऑल? तो क्या है, तो उछल के सीटियाँ मारूँ मैं मलाइका मैम आ गई तो यार नहीं, मतलब ठीक है मलाइका है, क्या हो गया। जैसे और लोग होते हैं ना, जैसे कि मतलब ऐसे हीरो हीरोइन को देख के एकदम ऐसे हो जाते हैं, ओ माय गॉड, शॉक हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब एक एक्सप्रेशन चेंज होता है, इनका तो एक्सप्रेशन भी चेंज नहीं हुआ, ऐसे नॉर्मल बैठे थे, नॉर्मली बैठे, जैसे वो भी आए नॉर्मली रहा रिएक्शन, मतलब ऐसे था। मम्मी भी इधर एकदम हमें विदाई करने के लिए रेडी बैठी है, और हमने ओला बुक कर दिया, अभी 8 बजे हैं, ओला अभी आएगा तो जाएंगे, फिर दोबारा आना, फिर अच्छे से घूमेंगे, अभी तो बस भेंट घाट ही गए। जो पापा ने मेगा को दिया था, मैंने मेगा से अभी सापट लिए, नेपाली पैसा है, नेपाल में चलेगा ना वो। अच्छा, थैंक यू, चलो लो बाकी मैंने चलो बाय मेगा, मेगा का आज एग्जाम है तो मेगा को हम परेशान नहीं कर रहे हैं, 3 तारीख को मिलते हैं फिर नेपाल में, बाय। चलो जी, चलो शिवाजी द बॉस, हाँ। ओह माय गॉड, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण लग रही, बोल रहे हो मुझे, ठीक है पापा, हाँ ठीक है, तो क्या सलमान खान से कम नहीं है, दीपिका पादुकोण बोलने से लग जाता है क्या कोई
ये क्या है एकदम खड़ूस सा भाई, गले गुले मिलो, गले गुले हो गया। हाँ। यस ये बाय बाय, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, चलते चलते टाइम से जाना, चलो बाय 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 बाय। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट में। हम कैसे आए हम अभी आपको स्टोरी बताएंगे। ऐसा फील आ रहा था आज तो फ्लाइट छूट जाएगी। गाइस हमने बोर्डिंग भी करवा ली, सिक्योरिटी चेक भी करवा लिया, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम एकदम फ्लाइट में बैठने के लिए रेडी है। आज तो ऐसा फील आ रहा था ना बिल्कुल फ्लाइट छूट जाएगी। नहीं यार नहीं छूटती, रहने दो भाई। मैं तो पीछे, नीरज आगे बैठे थे, मैं पीछे बैठी थी कार में, और मैं पीछे पूरा रास्ते मैंने पता है मैप लगा के आई हूँ। मैं देख रही थी कहाँ, मतलब कितना टाइम इतना लेट हो रहा था ना। अगर दिल्ली में होते ना तो लाइन में मिस हो जाती, तो उधर का था ना जो बोर्डिंग के लिए, वहाँ लेट हो जाते पक्का। और आज ये तो एक, तो एक प्लस पॉइंट हमको ये भी मिल गया, जो बोर्डिंग के लिए लाइन लगता है ना उसमें ज़्यादा लाइन लगना नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी तो इसलिए फिर वहाँ पे इतना लाइन नहीं था, तो जल्दी जल्दी आ गए। वैसे भी नीरज की वजह से लेट होते, मेकअप करने में इतना टाइम लगा रहे नीरज। और गाइज हमारी साथ में फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट है ये हमारी, फर्स्ट इंटरनेशनल, मेरी तो मतलब सेकंड है साथ पे, तो मेरी भी सेकंड थर्ड ही है। ओके ऐसे तो तुम कितनी बार गई हो नहीं पता इसमें तो, है ना? तो मतलब हम दोनों के साथ में फर्स्ट टाइम है इंटरनेशनल। तो अभी हम लोग कुछ खाने का सोच रहे क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम तो बचा है हमारे पास, कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद खाने के बाद फिर हम लोग फ्लाइट पकड़ के जाएंगे नेपाल। हम कितने बजे पहुँचेंगे यार? 2 बजे। चलो जब भी 2 बजे पहुँच जाएंगे। अब तो हो गया बस क्लियर, हाथ में आ गया बस। तो हमने बर्गर लिया है, अभी वहीं पे खाएंगे। एंड यहाँ पे नीरज को देखो कितना स्टाइल मार के चल रहे हैं, हेडफोन लगा के, कोल्ड ड्रिंक हाथ में, नीचे बैग। ओ माय गॉड, फुल सेलिब्रिटी वाला फील ले रहे हैं नीरज। फाइनली बोर्डिंग, अब हम बोर्डिंग भी हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं नेपाल। और बस अब जाने की देरी है, बिना और लगेज लेना है, लगेज। हाँ भाई मैं तो लगेज भूल ही गया, इमिग्रेशन के बाद लगेज, इतना एक्साइटमेंट कि लगेज ही भूल गया। लगेज भूल गया मैं, अंकल अंकल लगेज कहाँ है अंकल? मैं नेपाल पहुँच गया। पहुँच गया, अकेले पहुँचा? अकेले पहुँच गया मैं, पता नहीं वीडियो कौन बना रहा है मेरा। वो देखो देखो, वो खड़े हो देखो। अच्छा माय गॉड, दिख भी गया आपको। और हमें लेने के लिए दीदी और जीजू भी वहाँ पे आ चुके हैं। ये वेलकम टू नेपाल, वेलकम टू नेपाल भाई साहब। ओ माय गॉड, दो भाइयों की मिलाप। नमस्ते भाई साहब। अरे वाह भाई वाह, कैसा लग रहा है फिर नेपाल का रोड, नेपाल देखकर? एकदम बढ़िया, सब साफ सफाई एकदम अच्छा है ना, क्लीन है, काफी क्लीन है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। मौसम अच्छा है, बालिन का सिटी है। क्या सिटी है? बालिन का सिटी, बालिन, बालिन, बालिन मेयर। नीरज और मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा ठंड होगा, तो मैं इसलिए फुल ऐसे कपड़े पहन के आई थी। नीरज तो ऐसे नॉर्मल टी शर्ट में आए थे। नहीं नॉर्मल, अभी भी लोग जैकेट लगा के चल रहे हैं, पर इतना ठंड नहीं है जिस हिसाब से हम कपड़े लाए। शाम को होगा ना? हाँ शाम को होगा, पर जिस हिसाब से कपड़े लाए ना हम, तो ऐसा ना बर्फ वाले जगह में जा रहे जैसे, ऐसे जैकेट वगैरह लेके आए। एक दो जगह इधर से घूमने गए तो तब देखेंगे, बर्फ वाली जगह में भी चले जाएंगे। अभी बर्फ नहीं पड़ेगा, अभी बर्फ नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी बुआ के घर पे। आपको बहुत जाना पहचाना सा घर लग रहा होगा ऑब्वियसली, हमारी बुआ है तो इसको देखना। ये हटे, हट जा, गिरा, हट नहीं हो रहा बेचारा। मेरे को फिर कुत्ते नहीं पसंद। दाई ऑगाड़ी से कुकु, ये पुकू, माय गॉड, इसका और मेरा 36 का आंकड़ा है।
he padding a lot and I disturbing a lot. भाई नेपाल की सवारी चले फिर चले फिर दाम्पत्य जीवन सुख होस् सौभाग्यवती बन्नु दसैँमा टिका लाउन नपाए नि अहिले लाउन पाइयो धेरै 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 प्रदर्शन भएको सुन्न काम जर्नलकी फुफु भन्ने देख्न काम सुन्न काम सानसित जर्नलकी फुफु आइछ भनेर जान काम अरे यो त झन् मेन इम्पोर्टेन्ट हो तो अभी हम लोग घर पे भी पहुंच चुके हैं और हमारा स्वागत भी बड़ा अच्छा किया बुआ ने। तो अभी हम लोग खाने वाले हैं खाना, क्योंकि बहुत भूख के आए थे हम लोग। तो खाने में है क्या? चावल, गोभी की सब्जी, चिकन, चटनी, दाल। तो खाना खाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम होगा। जो भी रहेगा आप लोग को बताएंगे, दिखाएंगे। तब तक बने रहे। क्या ना दोस्तों, जो भी ला अच्छा मानना पड़ेगा। एक हक तो बनती है, कोई बात नहीं। एक छोटा सा गिफ्ट क्या इसी पर नहीं 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 हम पतला हो जाएंगे। वो भी टाइम आएगा ना, रात तो होने दो। मेरी तरफ से ये देखो, ये ब्रांड देख रहे हो, खोल के देखो मेकअप की। वाव मेरा ये आया ब्लश है ना, और ये मस्कारा देखो। ये मेरो फुटे थियो यार, भन्न लिएर आइदिस यही वाला। थैंक यू। अरे यार मेरे पनि यही सकेको थियो यार, यही भएको थियो यार। कलर देखो पसन्द आता है कि नहीं। राम्रो छ, लगाएर जानु पर्यो। मुझे ऐसा ही कलर पसंद था, और मुझे ये भी चाहिए था। ये ब्लश तो हमारी पहले भी बात हुई। हाँ, ये वाला ये कैटरीना कैफ यूज करती है ना, ये वाला कैटरीना कैफ का ब्रांड है। वही वही तो, वो भी तो यूज करती है अपना ब्रांड। ये कैटरीना कैफ का ब्रांड है, वो भी यूज करती है। थैंक यू सो मच, मुझे ये चाहिए था। क्या अंश चाहिए था? चाहिए थे ये वाला, ये सलमान खान यूज करता है मालूम है। अरे वो कैटरीना कैफ से दूसरे के साथ चली गई, तो मैं भी चले जाओ उसका मतलब। पर ये लास्ट एंड मौके में शॉपिंग किया, इतना अच्छा ले नहीं पाए। फुफू को नहीं आया तो फुफू की बेटी को आ जाएगा। ठुलो हुन्छ बडा, अनि यति ठुली फुफू छ भन्ने मानिस त अहिले। अरे मलाई त 46 ठिक हुन्छ, यहाँ त 54 छ। ए ठिक छ, अरे हाई भएन है, मजाले ठुलो भयो नि सानो भन्न पनि मिल्छ। ठिक छ, राम्रो लाग्यो रे, सिम्पल हो, बहुत बढिया बा, बढिया बा, सिम्पल लाग्यो, सिम्पल लाग्यो। अनि म आज पनि म सिम्पल भइसकेछु।
ओह माय गॉड सिंपल धमाका ज्यादा धमाका होने से सिंपल हो गए। गाइस अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं पर मुझे भी पता नहीं बेना को पता है। मैचिंग मैचिंग कपल गोल एक का पिंक एक का रेड। वाह भाई वाह। कहाँ ले जा रहे हो आज घुमाने के लिए? घुमाने के लिए कहाँ ले जा रहे हो? अभी जाएंगे बाद में पड़ेगा सरप्राइज सरप्राइज। आज तरह से इतना प्लान नहीं है, हल्का ही कहीं घूमेंगे क्योंकि ट्रैवल करके आए थके हैं तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा सा ऐसे जाके आते हैं। घूमने का प्लान एक दो दिन में बनेगा जो रहेगा। चले चले अभी चलो गाड़ी में बैठो चला जा लो गाड़ी। मैंने सुना है आपने सीख लिया गाड़ी? सीख लिया, मैं इतना बड़े बड़े नहीं चलाती, छोटे वाले ऐसे पीछे करके ओ चाबी वाला ऐसे ऐसा करके छोड़ेंगे तो ऐसे 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 चलता है ना छोड़ेगा तो ऐसा वाला। तो जीजू ने बोला था कि एकदम सरप्राइज में लेके आ रहे हैं तो जीजू लेके आए हमें नेवारी खाना खाने के लिए खाजा। तो नीरज जी खाइए नेवारी खाजा कैसा है बताइए जरा। आगे बताते हैं हम आपको। जीजू इतना मेहनत से हमको सात समुंदर पार करके लेके आए। कैसा है छोइला? बढ़िया बढ़िया एकदम अलग ही अलग टेस्ट। आप तो खाती रहती होंगे आपके लिए तो नॉर्मल है। खाया देखो बिना खाए हुआ बॉडी खाए हुआ बॉडी चुन चुन के बनाया हुआ है ना पर ठीक है बेस्ट है। तो गाइज अभी हमने ये दो न्यू चीज देखी है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। नेवार जो है उनको पता होगा क्या बोलते हैं इसको? क्या है ये? ये नेवारी आइटम। नेवारी आइटम नाम क्या है? सब मिर्चा ये तो बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट भी कर लिया है और ये वाला अभी टेस्ट करके बताऊंगी आप लोगों को कि कैसा है। कैसा लग रहा है आपको? मैं तो टेस्ट कर लिया। अच्छा लगा? एकदम नाइस। बहुत ही डिफरेंट है। अच्छे दबानो मुख ना खोलो। चुइंग चुइंग करते करना। नेफिन है ना? चुइंग करते करना। खांच आ गई। बस ऐसे करो। चलो गाइस ऐसे कर दो इधर कर दो। ये आज की पार्टी हमारी यही है, इसके बाद जाते हैं घर। ओके ओके अब ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं करते, एंजॉय भी करना है। जय राम जी के।